नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप सब देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और एक्चुअली शुक्रवार की एक क्विज थी फार्म इजी पर आई हुई। शुक्रवार की जो क्विज आती है कौन बनेगा करोड़पति में, शुक्रवार को वीकली क्विज आती है जो कि फार्म इजी स्पॉन्सर करता है, जिसका नाम है घर बैठे जीतो जैकपॉट, जिसमें कि हर हफ्ते 10 विजेता चुनकर उनको फार्म इजी की तरफ से 1-1 लाख रुपये मिलते हैं। हर शुक्रवार को यह सवाल आता है और जिसका उत्तर मंगलवार के रात के 11:59 तक दिया जा सकता है। इस शुक्रवार को भी सवाल आया, उस दिन का सवाल भी पता है, मैंने उस वक्त आंसर भी दे दिया था और वीडियो जो है वो मैंने नहीं बनाया था। पर कुछ दोस्तों के सवाल, मतलब ये कहना है कि सर उस पर भी वीडियो बनाइए। अब एक्चुअली एक ही दिन बचा है, सिर्फ आज का ही, मंगलवार का ही है, तो आज के ही रात के 11:59:59 तक उत्तर दिया जा सकता है। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, करके ही वीडियो नहीं बनाया अब तक, पर काफी सारे दोस्तों का कहना है और अभी आखिरी दिन आ गया फिर भी उन्होंने लॉक नहीं किए हैं। उसी का जो उत्तर है वो हम देने वाले हैं। फार्मीजी एप्लीकेशन आपको ओपन करनी होगी। फार्मीजी एप्लीकेशन अगर आपको नहीं पता कि कौन सा और कैसे ओपन करते हैं, तो आपको प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर या आपका एप्पल का स्टोर से, जो है एप्पल के ऐप स्टोर से, आपको फार्मीजी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा या इंस्टॉल करना होगा, या पहले से होगा तो अपडेट करना होगा। और उसके बाद ये जो इंटरफेस आएगा, इसमें ये पहला ही जो है फार्मेजी घर बैठे जीतो जैकपॉट वाला, इस पर क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया, सीधे सवाल आएगा शायद। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो उस वीडियो को आपको आई बटन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप देख सकते हो। सवाल इस हफ्ते का जो है वो सवाल देखते हैं। सवाल है, विच अमंग द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट डिनोट अ ब्लड टाइप इन ह्यूमंस। इंसान के शरीर का जो रक्तगत है, मतलब ब्लड ग्रुप है, वो निम्न में से कौन सा लेटर या अक्षर डिनोट नहीं करता। ऑप्शन ए है बी, ऑप्शन बी है ओ, ऑप्शन सी है ए और ऑप्शन डी है सी। तो दोस्तों बी ब्लड ग्रुप होता ही है, ओ ब्लड ग्रुप भी होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, इनमें पॉजिटिव नेगेटिव भी होते हैं और उसके अलावा ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव भी होता है। पर यहाँ पे अर्थात ऑप्शन ए बी सी, मतलब कि आंसर बी ओ ए नहीं है। आखिरी जो ऑप्शन है डी और आंसर है सी। आंसर जो है इसका आंसर सी है और सी आंसर इन्होंने ऑप्शन सी में नहीं दिया है, ऑप्शन सी में ए दिया है और ए नाम का रक्तगत होता है, ए लेटर का रक्तगत है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, सी अक्षर का रक्तगत बोला है, तो सी लेटर, सी अक्षर का या कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो सी आंसर सही है और ऑप्शन डी में सी बताया हुआ है करके ऑप्शन डी सही है। इसको मुझे बस कुछ नहीं करना है, लॉक कर देना है एक बार। फिर उसके बाद यहाँ वन स्टेप क्लोजर बोल रहा है कि डिटेल्स वगैरह अपनी डालनी पड़ती है। फोन नंबर यहाँ पे पूछा है और मतलब मेरा फोन नंबर ऑलरेडी डाला हुआ है, तो फोन नंबर लिख कर आया है। नाम, नाम डालना है, सिटी डालनी है, उसके बाद एज डालनी है, ईमेल आईडी डालनी है और सबमिट करना है। इतनी चीजें करनी है, उसके बाद में थैंक यू का बैनर आ जाएगा बस। दोस्तों कुछ दर्शक कह रहे थे कि सर ऑप्शन को सिलेक्ट ही नहीं होता ऑप्शन करके, पर देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया हूं और ये जो सी ऑप्शन है सिलेक्ट भी हुआ है बस, और लॉक की बटन नहीं रहती करके कुछ लोग बोल रहे, तो आपने भी देखे होंगे जब सवाल आया था तब लॉक की ऑप्शन बटन नहीं थी आंसर लॉक करने की। जैसे ही मैंने ऑप्शन को सिलेक्ट किया उसके बाद लॉक की बटन आई। ये इसके पहले के भी, पहले और दूसरे क्विज में बता चुका हूँ मैं, और एक तीसरी क्विज है यहाँ पे भी वही चीज है। बस इसके बाद लॉक माय आंसर पे क्लिक करना है। लॉक माय आंसर पे क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको अपनी जानकारी देनी है और नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अब क्या क्या जानकारी भरनी है आपको वो मैं बता देता हूँ। अभी मैं लॉक माय आंसर बटन पे क्लिक करूंगा। दोस्तों सब लॉक माय आंसर बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ ये इंटर डिटेल्स करके और कुछ फील्ड्स खुलती है, उस फील्ड में अपनी जानकारी आपको फिल करनी है। नाम, मोबाइल नंबर तो बाय डिफॉल्ट लेता है, अगर मोबाइल नंबर बाय डिफॉल्ट नहीं लिया तो आपको मोबाइल नंबर एंटर करना पड़ेगा। आपकी सिटी, आपका एज, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जानकारी मांगी जाती है, वो आपको फिल करनी होगी। मैं यहाँ पे एक एक फिल करके नहीं बताता मैं, और उसके नीचे सबमिट बटन है, उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, और सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है यानी आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। अब देख सकते हो दोस्तों, जैसे ही मैंने सबमिट, मतलब मेरी डिटेल्स फिल किया उस फॉर्म में, उसके बाद डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद योर आंसर इज लॉक्ड करके आता है, और ये आप देख सकते हो आंसर लॉक्ड,
और रिजल्ट 17 सितंबर 21 मतलब 2021 को, यानी कि अगला जो शुक्रवार होगा उस दिन रिजल्ट अनाउंस किए जाएंगे। और हमेशा की तरह हर विजेता को ये कूपन मिलेंगी बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा बोलते हैं, पर हर हफ्ते तीनों हफ्ते में ये सेम कूपन दी गई है 25% मेडिसिन की फार्मेसी एप्लीकेशन पर खरीदने पर। और उसके लिए जो कोड वगैरह वो यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो फार्मेसी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, तो ये कुल चीज मतलब इस तरीके का यूज करके आपको आंसर 3 जो है, मतलब कि क्वेश्चन 3 का जो उत्तर है वो देना है। और उत्तर एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, ऑप्शन है डी और आंसर है सी। तो इस तरीके से आपको सबमिट करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे ये जानकारी मैं इसके पहले के 2 वीडियो में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो की जरूरत खैर कम थी। और वैसे भी आज आखिरी दिन है आंसर लॉक करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में आप लोगों का उतना रिस्पॉन्स रहेगा। पर फिर भी अगर आपको लगती है हेल्पफुल तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके कोई सवाल या सुझाव या कोई भी दिक्कत अगर हो रही है आपको क्विज सॉल्व करने में, तो कमेंट कर सकते हो। मैं बैक ले रहा हूँ यहाँ पे। बैक लेने के बाद देखिए यहाँ पे आया कि कॉन्टेस्ट बिगिंस इन, तो अगली जो कॉन्टेस्ट है वो कब आएंगी उसका टाइम मतलब काउंट डाउन टाइमर यहाँ पे जारी किया गया है कि 3 दिन 21 घंटे और कुछ मिनट के बाद तीसरी क्विज आएंगी। और ये थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग लिखा है। और ये कूपन जो है जो मेरे को मिली थी वो कूपन बताया है, जिसको 32,269 लोगों ने ये कूपन कोड यूज किया है करके लिखा है। और ऑर्डर वगैरह करना है तो ऑर्डर वगैरह है यहाँ पे TNC पर। मैं देखिए वीडियो बनाऊंगा बोल रहा था पर भूल गया मैं ये फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन पर, तो इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा एक, मतलब इसके बाद आप याद दिला सकते हो आप मेरे को, तो मैं जरूर वीडियो बना दूंगा उस पर भी। तो क्या प्रोसेस है क्या नहीं सब कुछ चीजें समझा दूंगा मैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।